हाँ जी आ रही है आवाज, जी सुनती। अच्छा बच्चों शुरू करूँ? आवाज आ रही है सबको? ठीक जी आ रही है, आप शुरू है, करिए। यस ओके। अच्छा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, हेलो। जी। अच्छा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक था हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। जी मैम। अच्छा नंबर वन, वन विटामिन सी। अच्छा मैंने आप लोगों को पिछली बार पिछली क्लास में बताया था कि विटामिन सी की ड्रिप्स हम लोगों ने बर्न सेंटर में इन्फ्यूज करवाना स्टार्ट की थी जब हमारे पास यूके से आए थे डॉक्टर्स बर्न पेशेंट बर्न्स के लिए, तो उन लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट करवाई थी क्योंकि ये कोलेजन सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होती है विटामिन सी। तो इसका एक 500 ml या 100 ml की ड्रिप जो है ना इन्फ्यूज़ करते हैं, येलो और ऑरेंज कलर की होती है, और उसमें कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के थ्रू ना 24 आवर में इसको चलानी होती है। और ये फिर हमने एक टाइम के बाद आके लाजमी कर दिया था, पहले सेलेक्टिव पेशेंट्स को लगाते थे लेकिन विद टाइम इसको हम लोगों ने कंपल्सन कर दिया था हर पेशेंट को, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो कोई बच्चा हो। उसमें ये था कि विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस के लिए, फाइब्रोब्लास्ट के लिए और कैपिलरी फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से फिर कंपल्सन कर दी थी इसकी इन्फ्यूजन ड्रिप की। उसके अलावा विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का भी रोल प्ले करती है। उसके अलावा इसमें जितने भी हमारे स्किन के लॉसेस होते हैं, कुटेनियस लॉसेस, विटामिन सी इन्फ्यूजन की वजह से वो कवर अप हो जाते हैं। हेलो जी मैम, जी आपकी जी आवाज मैम हमें आ सही रही है। यस है। ठीक है ठीक मैम, है। आप लेक्चर अच्छा कंटिन्यू करें, इस तरह सारे बच्चों का म्यूट ही रहेगा और फिर जो किसी ठीक को है ठीक क्वेश्चन है होगा। ठीक है ठीक है। अच्छा विटामिन सी फ्रीक्वेंटली सप्लीमेंटेड इसलिए भी होती है कि वूंड हीलिंग और उसके अलावा इसमें जितनी भी हमारी कैपिलरी फॉर्मेशन है इस तरह से ज़्यादा इसमें इंक्रीज हो जाती है। अदरवाइज अगर विटामिन सी को हम सप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोलेजन सिंथेसिस ठीक से नहीं होगा। हमारे पास मोस्टली इनके जो हमने जब इनका इन्फ्यूजन पंप लगाया करते थे हर पेशेंट को, तो इनका जो प्री एल्ब्यूमिन और सीरम एल्ब्यूमिन लेवल्स थे वो भी बहुत अच्छे हो जाते थे। अदरवाइज इनका जो रेशियो था वो 2, 2.1, 2.3 इस तरह से ही रहता था। अच्छा बच्चों नंबर टू विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए बेसिकली इम्यून फंक्शन और एपिथेलियलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा ये कोलेजन सिंथेसिस को भी के में भी एड करता है। और अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाए बर्न पेशेंट्स की, तो वो वूंड हीलिंग ठीक से नहीं होती है, ग्राफ्ट लॉस बहुत कॉमन है। इसमें ये होता है कि हम पेशेंट्स की विटामिन की प्रोफाइल करवा लेते हैं जिसमें ये सारे विटामिन्स कवर हो जाते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम इनको इन्फ्यूज करते हैं। और मैंने जैसे बर्न सेंटर में काम किया था तो मैंने वहाँ पे अपना जो इनकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे करने के साथ साथ मैंने इनको इस विटामिन सी और विटामिन ए जितने भी हमारे पास फैट और वाटर सोलबल विटामिन है, मैंने सर्बेक्स जी की फॉर्म में, हमारे पास सर्बेक्स जी सप्लीमेंट है वो मैं साथ ओरली भी देती थी और बाय पारेंटली भी देती थी, इसमें जिसमें विटामिन सी का आ जाता था और विटामिन ए के समटाइम इंफ्यूज इंजेक्ट कर देते थे इनको। अच्छा उसके अलावा इसमें ये है कि अगर हम एंट्रल फॉर्मूलास दे रहे हैं विटामिन ए बेस्ड, जैसे कि हम ये इंश्योर दे रहे हैं, ग्लूसरना दे रहे हैं, या कोई भी सप्लीमेंट दे रहे हैं, आइसोकेल दे रहे हैं, अगर गट फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है कोई भी सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो उसमें विटामिन ए बीटा कैरोटीन की फॉर्म में अवेलेबल है जो कि हम एड करता है वूंड हीलिंग को। हमने ये चीज देख के फिर हम लोगों ने पेशेंट को सजेस्ट करना है फॉर्मूला कि बीटा कैरोटीन विटामिन ए सप्लीमेंटेड है या नहीं है। नंबर थ्री बच्चे विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है ना बेसिकली पीडियाट्रिक बर्न्स में रिपोर्ट हुई है, एडल्ट्स में इतनी रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि पेशेंट्स को सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिल रहा होता, कुछ लोग अपने लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से नहीं ले रहे होते सप्लीमेंट्स, या फिर उन्हें कोई डेरी का सोर्सेस अवेलेबल नहीं होते, और सबसे बड़ी बात यह कि सनलाइट एक्सपोज नहीं पेशेंट्स को करवानी होती बर्न्स की वजह से, जिसकी वजह से
हमारे पास विटामिन डी डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है बर्न्स पेशेंट में। और उसमें ये है, सबसे इसको इसको ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि पेशेंट को ना सनलाइट से एक्सपोज करवाया जाए, लेकिन डायरेक्ट नहीं। उसका एक तरीका होता है, जैसे मैं वहां पे करती थी बर्न्स में, के पेशेंट को व्हीलचेयर पे बिठा के, या हमारे वहाँ पे बर्न सेंटर इस तरह से बना हुआ था कि जो विंडोज थी ना वो वेंटिलेटेड थी, कि सनलाइट आए और पेशेंट्स को वो उस तरह से एक्सपोज करवा सकें, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट नेकेड होता है, वो उसमें ड्रेसिंग में होता है, तो इसलिए उनको हल्का सा थोड़ा दूर रख के ना, डिस्टेंस में, स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करके विटामिन डी वो सनलाइट से एक्सपोज करवाएं, तो वो उसकी सारी जो है ना, और उसके अलावा डेयरी चीज इस तरह की उन लोगों को डाइट रखें, तो आराम से विटामिन डी जो लॉसेस हैं वो कवर अप हो सकते हैं। उसके बाद ये तो तीन हमारे हो गए फैट सोल्युबल विटामिन। अब हम और एक वाटर सोल्युबल और एक फैट सोल्युबल। अब बाकी हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसेस की तरफ। बच्चों इस टाइम ये सारी चीज क्लियर है अब तक? जी मैम क्लियर है। यस मैम क्लियर है। यस ठीक मैम। है। अच्छा बच्चों, अब है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस सिंपल सी चीज है कि जितना बॉडी लॉस होगा, वाटर और फ्लूइड लॉस हो चुका वो होता है बॉडी में से बर्न्स के, वो डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होना ही होना है। उसको उसमें सबसे पहले हाइपोन्यूट्रीमिया आ जाता है, लो सोडियम कंटेंट। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं, इसमें सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जिंक ये तकरीबन तकरीबन पेशेंट में हम लो ही देखने को मिलता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हाइपोन्यूट्रीमिया लो सोडियम कंटेंट इन बॉडी, उसका रीजन ये है कि एवेपोरेशन इतनी ज्यादा होती है बॉडी में से पेशेंट के, कि वो सोडियम कम आएगा ही आएगा। उसको ठीक करने का तरीका एक तो है सिंपल रिंगा लैक्टेट या नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन इंट्रावीनसली उसको देंगे पेशेंट को, और नंबर टू उसको ठीक करने का तरीका है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग होती है जो हम पेशेंट्स को जो है ना लगाते हैं वहां बर्न्स बॉडी पे ना, उसमें अगर हम लोग एक ड्रेसिंग है सोडियम ड्रेसिंग, उस वो वाली अगर लगा देंगे ना पेशेंट को, तो वो ऑटोमेटिकली लॉसेस कम हो जाएंगे। अब वो ऐसे नहीं कर देना डायरेक्ट जी लगा दी, वो वहां पे बड़े बर्न सेंटर में ना इस तरह की बहुत मल्टीपल ड्रेसिंग्स थी, और लाखों लाखों की ड्रेसिंग जो है ना हम लोग इंपोर्ट करवाते थे बाहर से। उसमें ये था कि जब जब भी पेशेंट की ड्रेसिंग चेंज करनी है ना, एक तो फ्रीक्वेंटली करनी है ताकि लॉसेस कम हो, लाइक 3 आवरली 4 आवरली। कुछ पेशेंट की ऐसी भी होती थी, कुछ की होती थी पर डे के हिसाब से, कभी एक दिन के बाद कभी 2 दिन के बाद, डिपेंडिंग डिपेंड करता था कि कौन सी जो है ना हम उसको लगा रहे हैं, पेशेंट को ड्रेसिंग दे रहे हैं। तो ये जो सोडियम वाली ड्रेसिंग है ना, इसमें ये था कि ड्रेसर को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता था कि जो भी एरिया एक्सपोज है पेशेंट का, जो भी टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न है ना, उसमें हम लोगों ने क्या करना है कि ड्रेसिंग लेनी है, गॉस पीस लेना है, उसको हमने नॉर्मल सेलाइन से वॉश करना है अच्छे तरीके से, और फिर उसको डायरेक्ट उसको ना वहां पे कर देना है, पेस्ट कर देना है जो भी इफेक्टेड एरिया है बॉडी का। और ये हमारी सिंपल सिंपल ड्रेसिंग है, लेकिन इससे जो है ना सोडियम लॉसेस बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहते हैं। अच्छा अब अगला है हाइपोकिलीमिया। हाइपोकुलेमिया बच्चों कॉमन है इस वजह से कि इसमें जो जब हम फ्लूइड रिसेसिटेशन स्टार्ट में करते हैं, जब हम लोग पार्कलैंड फॉर्मूला से, पार्कलैंड फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि यूज किया जाता है फ्लूइड कंटेंट निकालने के लिए पेशेंट का ना, तो जब वो हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड रिसेसिटेशन की तरफ आते हैं, तो उसमें ये होता है कि पोटेशियम लेवल बॉडी में कम हो जाता है, और उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में भी पोटेशियम लेवल कम हो जाता है। तो इसलिए हमने सिंपल हमारे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया था जब मैंने सारे फॉर्मूलास मंगवाए थे कि पोटेशियम के अवेलेबल होते हैं इम्फ्यूज, सिंपल हम लोगों ने उसको वो इन्फ्यूज करवा देने हैं पोटेशियम लेवल नॉर्मल करने के लिए। अगला बच्चों है डिक्रीज्ड सीरम कैल्शियम लेवल्स। डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल्स बेसिकली जो है ना उस टाइम उस उन केसेस में देखने को मिलते हैं जिनमें टोटल बॉडी सरफेस एरिया 30% से ज्यादा हो, और जो हाइपोकैल्शेमिया वो बेसिकली जब हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया हो, एल्ब्यूमिन लेवल कम हो, तब भी देखा जाता है। उसका रीजन बताओ क्या हो सकता है? मैम से रिपीट किया, आपने क्या पूछा अभी? जो कैल्शियम लेवल है
आप लोगों ने देखा है कि पेशेंट के अंदर एक पेशेंट उसका टोटल कैल्शियम लेवल भी कम है और हाइपोएल्बुमिनेमिया भी हुआ है, मतलब सीरम एल्ब्यूमिन लेवल भी कम है, उसका क्या रीजन हो सकता है? मैम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो रही है ड्यू टू बर्न। नहीं बच्चे, कैल्शियम आयरन को बाइंड करता है ना, जी जी मैम ठीक है ना, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जो भी हम प्रोटीन की चीज देंगे उसमें आयरन कंटेंट होगा, वो बाइंड करेगा, जिसकी वजह से दोनों चीजें कम होंगी। इसलिए तो कहते हैं कि कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट इकट्ठे नहीं दिया जा नहीं दिए जाते। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? उसके अलावा तो कैल्शियम लॉसेस ज्यादा होते हैं। अगर 30% से कम है ना, तो फिर इतने ज्यादा कैल्शियम लॉसेस नहीं होते उसमें, क्योंकि सरफेस एरिया कम है। ठीक है? यस मैम, ठीक है, क्लियर है। ठीक है। अच्छा बच्चों, कैल्शियम लॉसेस जो है ना, समटाइम्स कुछ पेशेंट जो इमोबाइल है उनका जो है ना बिल्कुल ही उनकी मोबिलिटी नहीं है। उसके अलावा अगर सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग यूज की जा रही है उसके अंदर भी कैल्शियम लॉसेस ज्यादा देखे जाते हैं। और इनको ट्रीट करने का तरीका ये है कि अर्ली एक्सरसाइज, अर्ली मोबिलिटी इनको नॉर्मलाइज कर देती है कैल्शियम लॉसेस को। इसलिए हमने एज सून एज पॉसिबल जो पेशेंट्स हम देख रहे हैं कि उनकी इमोबिलिटी है, उनको मोबाइल करवाना है और सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग इस्तेमाल कर देनी है। ठीक है? ठीक है। अच्छा बच्चों, अगला टॉपिक हमारे पास है हाइपोफॉस्फेटेमिया, जिसमें हमारे पास फॉस्फेट लेवल बॉडी में से कम हो जाता है। और ये भी बच्चे, अगर हमारे पास टोटल बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो होगा, ये फॉस्फेट लेवल ज्यादा डेफिशिएंसी में नजर आएंगे। अच्छा, इसका सबसे जो नंबर वन रीजन है ना हाइपोफॉस्फेटेमिया का, वो जब हम बहुत ज्यादा फ्लूइड दे देते हैं ना पेशेंट को, तो जितने भी हमारे ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो फ्लश कर देते हैं बॉडी में से, फ्लश आउट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कैल्शियम फ्लश आउट हो जाता है, पोटेशियम फ्लश आउट हो जाता है, इसी तरह से फॉस्फेट भी फ्लश आउट हो जाता है, जिसकी ठीक है ना, तो साथ ही हमारे हम देखेंगे तो इसमें फॉस्फेट कम हो जाएगा। इसका सबसे सिंपल तरीका मिनिमाइज करने का ये है कि हमने उनको पारेंटल इन्फ्यूजन स्टार्ट करवा देनी है और साथ हमने इसके अंदर फॉस्फेट के सप्लीमेंट्स डालना स्टार्ट कर देने। अच्छा, उसके अलावा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इन पेशेंट्स में कर्लिंग अल्सर्स हो जाते हैं डेवलप, तो जब हम लोग एंड एसिड्स देते हैं ना ये ठीक करने के लिए, अल्सर्स ठीक करने के लिए, तब भी फॉस्फेट डेफिशिएंसी सामने देखने को मिलती है। अच्छा, अगला अगला स्टेप है बच्चों हमारा मैग्नीशियम। उसमें मैग्नीशियम के लॉसेस भी बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली हैं। इनमें सबसे सिंपल तरीका इनको नॉर्मलाइज करने का ये सप्लीमेंट्स, सर्वेक्सी हो गया, ऑप्टिलेट्स हो गया, उसके अलावा क्या कहते हैं, अगर हम लोग जरा ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की तरफ आते हैं तो वेल वेमेन हो गया फीमेल के लिए, मेल के लिए वेल मैन हो गया। उसके अलावा एंट्रल फॉर्मूलाज में हमारे पास इंश्योर, जिसके अंदर ये सारी जो है ना चीजें कवर अप हो जाएंगी, इंश्योर है, ग्लूसरना है, नोवासोर्स रीनल है, रिसोर्स ऑप्टिमम, आइसोकेल, बेनी प्रोटीन, तो है प्रोटीन सप्लीमेंट है वो तो नहीं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास ये अमाइनो लिबैन सप्लीमेंट्स रिपीट कर देंगी जी, इंश्योर नहीं, सबसे पहले सर्बेक्स जी, ऑप्टिलेट्स एम, वेल वेमेन, वेल मैन, इंश्योर, ग्लूसरना, नोवासोर्स रीनल, रिसोर्स ऑप्टिमम, आइसोकेल, अमाइनोलिबैन, इन सारे हमारे पास फॉर्मूलाज में ये ट्रेस एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इनको हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट में देना है। लाइक अगर कोई जिस पेशेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है बीडी में दे दोगे, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और ओरली पेशेंट का इंटेक ठीक है तो आप उसको ओडी में दे दोगे वंस अ डे, लेकिन अगर बहुत ही कोई पुअर इंटेक है तो फिर उसको 3 टाइम्स अ डे तक भी लेके जा सकते हैं।
अच्छा बच्चों चलूं आगे? यस मैम। अच्छा जिंक, नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट है जिंक। अच्छा बच्चों जिंक जो है ना एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग 220 मिलीग्राम और जिंक सल्फेट अगर सप्लीमेंट कर देना पेशेंट को तो प्रोटीन सिंथेसिस भी और एनर्जी मेटाबॉलिज्म भी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाती है बॉडी में। ठीक है बच्चों समझ में आ गई? मैम आपने क्या बताया अभी 200 मिलीग्राम जिंक सल्फेट? हाँ हाँ एग्जैक्टली सी जिंक सल्फेट। ओके मैम। मैम चले आगे। अच्छा अच्छा बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है एनीमिया, एनीमिया इन बर्न पेशेंट्स। एनीमिया बेसिकली एनीमिया का रीजन बर्न पेशेंट में सिंपल है, लॉस ऑफ ब्लड। उसमें ये है कि पेशेंट के रिपीटेड सिलेक्टिव जो है ना प्रोसीजर्स होते हैं, इलेक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें स्किन ग्राफ्टिंग जो है ना बार बार होती है। ग्राफ्टिंग अगर लॉस हो जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट का मॉर्निंग में सर्जरी हुई है उसका ग्राफ्ट इन लोगों ने किया है प्लेस और वो ग्राफ्ट लॉस ड्रेसिंग के बाद पता चल रहा है ऑब्वियस है तो साथ ही सर्जरी के लिए ले जाते हैं तो रिपीटेड इलेक्टिव सर्जरीज की वजह से इनका पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से ना तो एच बी मेंटेन हो पाता है ना सिंपल रेड ब्लड सेल का लेवल मेंटेन हो पाता है। तो उसमें यह है कि हमने जो है ना इसमें पेशेंट का जो है ना इसको जो ट्रीट करना सिंपली एक तो हमने उनको हाई प्रोटीन डाइट देनी है, उसमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन हमने सेलेक्ट करनी है मीट फिश पोल्ट्री का सेक्टर। नंबर टू हमने इन पेशेंट्स को आयरन सप्लीमेंट देने हैं जिसमें ये फीफॉल वेट आ जाता है या फिर आयरन की ड्रिप्स आ जाती हैं, वीनोफर है उससे ये लॉसेस कवर अप हो सकते हैं। नंबर थर्ड इसमें ये है कि हमने पेशेंट का एक्वेंट्रल फॉर्मूला साथ साथ देते रहना है जिसमें हमने इंश्योर रिसोर्स ऑप्टिमम, इंश्योर न्यूट्रीवेगर, इंश्योर प्लस और बेनी प्रोटीन, ये पांच चीजें इसके अंदर बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी एक फॉर्मूला आप दे सकते हो इंश्योर इंश्योर प्लस इंश्योर इंश्योर प्लस इंश्योर सिंपल पेशेंट्स के लिए, इंश्योर प्लस इनकी बहुत पुअर इंटेक है और उनकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि वो 2 किलो कैलोरी जो है ना पर ग्राम प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इंश्योर न्यूट्रीवेगर उन पेशेंट्स के लिए है जिनकी एज है 50 प्लस, रिसोर्स ऑप्टिमम और इंश्योर सेम चीज ही है, और उसके अलावा बेनी प्रोटीन। आप लोगों ने इंश्योर इंश्योर प्लस इंश्योर न्यूट्रीवेगर में से कोई एक फॉर्मूला सिलेक्ट करके साथ बेनी प्रोटीन को मिक्स करके फिर पेशेंट को देना है ताकि प्रोटीन इतना ज्यादा हो कि एक तो प्रोटीन स्पेनिंग एक्शन हो और उसके अलावा उनका आयरन कॉन्टेंट अच्छा रहे बॉडी में। मल्टी वाइटामिन में फी फॉल वेट और जो कुछ आईवीज आ जाती हैं ब्लड को एच बी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए जिसमें वीनोफर है, फेरेंजेक्ट है, वो भी इन्फ्यूज करवा सकते हैं लेकिन ये ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस नहीं है बर्न्स में, ज्यादातर ओरल टेबलेट्स ही दी जाती है, एंट्रल फॉर्मूलाज दिए जाते हैं। और उसके अलावा सिंपल एक और चीज है, अगर बहुत एच बी कम आ रहा है, ब्लड लॉस इतना है पेशेंट में कि एच बी जो है ना लेस देन 7 है, लेस देन 6 है, तो उसमें सिंपल आप होल ब्लड जो है ना उनको इन्फ्यूज करवाओगे। और अगर समझ में आ गई? यस मैम आ गई समझ। अच्छा और अगर होल ब्लड इन्फ्यूज करवाने की जरूरत नहीं है और पेशेंट का एज भी मतलब मीडियम उसमें आ रहा है कैटेगरी में कि ना ज्यादा है ना कम है, तो फिर सिंपल जो है ना उनको हमने पीसीवी जो होते हैं पैक रेड ब्लड सेल वो लगवाने होते हैं, लेकिन ये सारा काम डॉक्टर का है बट ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोगों ने सिंपल
इनका रेट इंक्रीज कर आयरन कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट ठीक करवाना है एनुअली, ताकि गट भी इससे फंक्शनिंग में रहे, फॉर्मूलाज भी जाते रहे, ओरली भी पेशेंट ले। हमारा काम सिर्फ यहीं तक का ही है। साथ इसके हमने विटामिन सी देना है ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। बच्चों समझ में आ गया इधर? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हैं मेथड ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट थेरेपी, मेथड्स किस तरह से, किस किस तरह से हम लोग पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जी मैम। अच्छा बच्चों इसमें सिंपल ये है कि जिन पेशेंट की कैलोरिक रिक्वायरमेंट या बर्न टोटल बॉडी सरफेस एरिया लेस देन 20% है ना, उनकी तो रेगुलर जो है ना प्रोटीन और एनर्जी नीड्स होती हैं, और वो आराम से ना ओरल डाइट से कंप्लीट हो सकती हैं। और उसमें अगर थोड़ी बहुत एफिशिएंसी आ भी रही है, लाइक 24 आवर रिकॉन हमने पेशेंट का लिया और पेशेंट नेगेटिव एनर्जी में जा रहा है, लाइक 200-300 कैलोरीज उसकी कम है, तो उसको पूरे कराने का तरीका ये है कि हम लोग उसमें पुडिंग्स में, जेलिडन फॉर्म में या मिल्क में जो है ना, हम एंट्रल फॉर्मूलाज ऐड अप कर सकते हैं, लाइक इंश्योर प्लस इस तरह से, ठीक है। और उसमें सेकेंडली हम लोगों ने जिनका टोटल बॉडी, मतलब कोई भी नहीं, जो भी जितना भी पेशेंट हमारे पास सामने आ रहे हैं उनको हमने साथ ही साथ एक्सेस देना है उसका मील्स का, मतलब जैसे बर्न सेंटर में थोड़ा ये भी इनिशिएटिव लिया गया था, मैंने एक सजेशन दी थी सर को कि सर हम लोग ना जैसे कर देते हैं इनको ना, वो नहीं होती फूड सर्विस, वो स्टार्ट करवा देते हैं। उस फूड सर्विस में ये था कि हमने ना कुछ स्पेसिफिक चीजें, जैसे कि लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते थे वो कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं मीट पे फिश पोल्ट्री का फैक्टर, या तो उसमें ये था कि वो पोर्शन बना दिए गए थे प्लेट्स के, और उसको वो हर चीज की सर्विंग जो है ना उसमें दी जाती थी। उसमें मिल्क भी आ रहा है, योगर्ट भी आ रही है, कोई एक मीठा भी आ रहा है, उसमें कस्टर्ड की फिन्नी भी आ रही है, प्रॉपर रोटी भी आ रही है दो, और साथ चिकन का सालन आ रहा है, एग आ रहा है, एक पूरी कंप्लीट उनको एक मील प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के लोग थे, वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। ये एक बहुत नॉर्मल सा इनका मील पैटर्न है। और अगर जिन पेशेंट्स का टोटल बॉडी सरफेस एरिया लेस देन 20 है, वो लोग इतनी बुरी तरह से अफेक्टेड नहीं होते जितना इनसे ज्यादा वाले होते हैं, उनकी एपेटाइट इतनी खराब नहीं होती है, तो ये लोग आराम से खा पी के ना अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं। लेकिन और उसके अलावा जो तरीका मैंने बताया कि अगर पेशेंट नेगेटिव एनर्जी में जा रहा है, तो हमने उसको सिंपल इंश्योर या बेनी प्रोटीन देके उसका जो है ना नीड्स पूरी कर लेनी है। अगर अच्छा नंबर टू है, अगर पेशेंट हमारे पास जिनका टोटल बॉडी सर्फेस एरिया लेस देन ग्रेटर देन 20 है ना, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पेशेंट्स है, क्योंकि वो लोग इतने अफेक्टेड होते हैं। समटाइम्स जो है ना डिपेंड करता है कि पेशेंट का ना कौन सा साइड बर्न है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुंह बर्न हो गया, पूरा फेस बर्न हो गया, ठीक है, उसका मतलब इस तरह का भी सिनेरियो सामने आ गया कि वो बिल्कुल ही ओरली नहीं ले सकता, या फिर टोटल बॉडी सरफेस एरिया ग्रेटर देन 20 है, या फिर पेशेंट की कैलोरिक नीड इतनी ज्यादा है, लाइक 3000 से अबव 4000-5000, तो जाके हम लोगों ने सेकेंड रूट अपनाना है एंट्रल न्यूट्रिशन का। वो हमारे पास किस तरह में, वो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले एनजी ट्यूब फीडिंग। अब उसमें एनजी है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एनजे है, नेसोजेजुनम ट्यूब एनडी है, और उसके अलावा फिर आ जाते हैं हमारे पास पीपीएन और टीपीएन। इफ पेशेंट की कैलोरिक नीड अबव ग्रेटर देन 3000 है, हमने उसको सबसे पहले तो हमने खुद की भी उससे काउंसलिंग करनी है, और उसके अटेंडेंट की भी काउंसलिंग करनी है कि इसको ओरली इनकरेज करें कि आप बाय माउथ अपनी कैलोरीज पूरी करो। अगर वो समहाउ खा भी रहा है लेकिन फिर भी हम गोल अचीव नहीं कर पा रहे कैलोरीज का और प्रोटीन का, तो हमने उसको एनजी इन्फ्यूज कर देनी है। एनजी से फिर हम लोगों ने उसको 3 times या 6 times फॉर्मूलाज देने हैं, वो इंश्योर है, इंश्योर प्लस है, बेनी प्रोटीन है, ठीक है। अगर पेशेंट जो है ना एनजी समहाउ इरिटेबल होते हैं, एनजी वो बार बार निकाल रहा है, तो फिर हम लोगों ने उसको फाइन बोर ट्यूब एनजी ट्यूब इन्फ्यूज कर देनी है, एनजी ट्यूब जो नेजोजेजनोस्टमी वाली ट्यूब है,
और अगर ठीक हो गया इसके इससे भी यही सारे फॉर्मूला उसको देंगे उसकी कैलोरीज कैलोरिक नीड पूरी करने के लिए. ठीक हो गया यहाँ तक मैम? फॉर्मूला कौन कौन से देंगे इसके अंदर? इंश्योर, इंश्योर न्यूट्रीवेगर, इंश्योर प्लस, बेनी प्रोटीन, सेम फॉर्मूलाज ही जाएंगे बच्चों. और अगर डायबिटिक है तो घुसरना. मैम ये जो आप पिक ले रही हैं इंश्योर, इंश्योर प्लस और इंश्योर, क्या दे रही हैं आप उन्हें? न्यूट्रीवेगर, जो जो पेशेंट जो 50 प्लस के होते हैं ना उनमें इंश्योर न्यूट्रीवेगर दिया जाता है. ठीक है यस मैम. अब ये तो हो गया रूट हमने सेलेक्ट पेशेंट के करने बाय माउथ या एंट्रली एनजीएनजे जो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है. ठीक है अब आता है पीपीएन और टीपीएन. अगर पेशेंट का गट कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ है वो सेप्टिसीमिया में है या वो वेंटिलेटर पे है या वो आईसीयू में है और उसका ओरल इंटेक पुअर है वो बाय माउथ नहीं ले पा रहा और उसको सीवीपी लाइन भी प्लेस है जो कि हर पेशेंट में बर्न में होती है प्लेस उसका इनपुट और आउटपुट मॉनिटर करने के लिए तो हमने सिंपल क्या करना है उसको टीपीएन या पीपीएन में अमाइनोवेल अमाइनोप्लाज्मल 5-10-25% डेक्सट्रोज इसमें से कुछ देना है. अगर कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा भी एंट्रल रूट नहीं है बिल्कुल ही गट फंक्शनिंग नहीं है डिस्टेंशन है और उसको एंप्योटिल फर्दर ऑर्डर कर दिया है पेशेंट को तो फिर हम लोगों ने उसको टीपीएन पे ले आना है. वो मैंने आपको बता दिया न्यूट्रीफ्लेक्स लिपिड पेरी एक होता था पहले सप्लीमेंट जो कि मैंने स्टार्ट करवाया था बर्न सेंटर में अब वो खत्म हो गया तो फिर हमने सिंगल बॉटल पे लाना है पेशेंट को. हम उसको सिंपल लिख देंगे 25% डेक्सट्रोज वाटर देन उसके बाद हम उसको देंगे अमाइनोवेल और उसके बाद फिर हम उसको लाइपोफेंडिन देंगे क्योंकि सीवीपी लाइन के थ्रू सब कुछ जाता है तो लाइपोफेंडिन चला जाएगा उसके थ्रू सीवीपी के थ्रू और बाकी दो पीपीएन पारेंटली चले जाएंगे. ओके मैम ठीक हो गया क्लियर हो गया? जी मैम हो गया क्लियर. ठीक हो गया. अच्छा अच्छा बच्चों क्या कहते हैं उसे अब कुछ इसमें से पूछना है तो आप उससे पूछ लो कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो. मैम जो बर्न पेशेंट होते हैं उनकी तो स्किन सारी डैमेज्ड है तो हम उसको सन एक्सपोजर कैसे दे सकते हैं? नहीं नहीं बच्चे सन एक्सपोजर नहीं हम लोगों ने उनको हमने डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं देना है वो तो उनका इनडायरेक्ट में भी इनडायरेक्ट में भी वो स्किन कैसे विटामिन डी बनाएंगी? हाँ क्योंकि स्किन सिंथेसिस ना होती है वो तो. हाँ एग्जैक्टली तो उसमें यही है ना कि बच्चे ड्रेसिंग हर पूरे बॉडी पे तो नहीं ना होती है उनके सेलेक्टिव जगहों पे होती है ना जरूरी वो तो देखो ना हमारे पास तो रेयर केसेस आते हैं ना जिसमें 80% या 90% बॉडी बर्न हो बिल्कुल वो पूरे ड्रेसिंग में होते हैं ना बाकी सब तो कभी किसी का हाथ पे ड्रेसिंग है किसी के पेट में ड्रेसिंग है बाकी बॉडी तो ठीक है ना उसकी तो उन पेशेंट्स को हम लोगों ने ना स्किन को एक्सपोज कराना है वो सन को वो भी डायरेक्टली नहीं करवाना हमने डायरेक्टली हरगिज नहीं करवाना उसमें हल्का एक और तरीका है कि आगे कपड़ा प्लेस मलमल का कपड़ा कॉटन का कपड़ा प्लेस कर देते हैं जिसमें से सनलाइट ना पेशेंट को जा सके या फिर थोड़ा दूर डिस्टेंस पे व्हील चेयर बाउंड जो पेशेंट है उनको करके ना बिठा के फिर हमने उसको एक्सपोज करवाना है वरना फिर हम लोगों ने सिंपल सी चीज है अगर बॉडी कम्प्लीटली बर्न है ऑब्वियसली बात है वाइटामिन डी सिंथेसाइज नहीं होगा तो हमने उसको पे पारेंटली वो देना है वाइटामिन डी ड्रॉप्स देने वाइटामिन डी के जो हमारे पास इन ड्रॉप डी है और इस तरह के हमारे पास जो सप्लीमेंट्स है हमने वो उसको पेशेंट को देने ठीक है. यस मैम आगे ठीक हो गया. अच्छा बच्चों हाँ जी और कुछ और कोई क्वेश्चन है किसी को? बच्चों क्लियर है मैम? अच्छा 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 ठीक है. अच्छा अब बच्चे हमारे पास जो है ना अगला टॉपिक है हमारा सर्जरी का कंप्लीट सर्जरी है वो जरा डिटेल टॉपिक है मैं कोशिश तो करूँगी कि वो 2 दिन में कवर अप हो जाए लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि वो काफ़ी डिटेल टॉपिक है उसमें जर्नल और जो सिलेक्टिव सर्जरीज हैं वो सारी कवर अप होंगी और उनकी एमएनटीज तो एक तो उसके लिए रेडी रहना
दूसरा ये कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बच्चों बर्न के वो बनवाया था डाइट प्लान, तो जिन्होंने बना ली मुझे सेंड कर दें, जिन्होंने नहीं बनाया वो भी बना लें। और दूसरा ये कि मुझे जो आप लोगों के जो आप लोग डेटा लेते आए हो अब तक हॉस्पिटल में सारी केस स्टडीज, उनके डाइट प्लान जो है ना मुझे अब चेक करवा लो आप लोग खत्म, मतलब ना करते करते जब तक ये ऑनलाइन सारा काम है ना, वो डाइट प्लान मुझे फिर आप लोग चेक करवा देना, खत्म करो वो काम भी ना। ओके मैम, ठीक है। और मैम बर्न पेशेंट्स का डाइट प्लान कैसे बनाना है? मैं एब्सेंट थी लास्ट क्लास में, तो वो बता दें। देखो देखो बच्चों, आप एक केस स्टडी ले लो, मेल बर्न पेशेंट है, एज 30 इयर्स है और केमिकल बर्न है और टोटल बॉडी सरफेस एरिया उसका 30%, और इसकी अब सारी हाँ, और उसके अलावा कोई कोमोर्बिडिटी प्रेजेंट नहीं है, नॉर्मल स्टेट में है पेशेंट, मतलब ना नॉन डायबिटिक और नॉन हाइपरटेंसिव है, ना कोई लिवर का प्रॉब्लम है ना कोई किडनी का प्रॉब्लम है। और इसका जो है ना मतलब क्या कहते हैं फेस वगैरह क्लियर है, मतलब वो ओरल ले सकता है। अब इस हिसाब से फिर आप सब लोग डाइट प्लान बना लो। मैम तो इसमें हमारे पास रेगुलर डाइट ही होगी ना, जैसे हम रेगुलर देते हैं पेशेंट्स को? जी जी बिल्कुल हाँ, हाई प्रोटीन। देखो क्या किससे किससे आप लोगों ने वो निकालना है, कौन सी इक्वेशन से आप लोग इसकी निकालोगे प्रोटीन और वो कैलोरी रिक्वायरमेंट कैसे निकालोगे? हाँ एग्जैक्टली, क्यूरेरी से निकालना है। प्रोटीन कंटेंट इनका तकरीबन पेशेंट्स का होगा 1.5 to 2 g/kg आइडियल बॉडी वेट, ठीक है? जी मैम। मैम पेशेंट की हाइट क्या है? पेशेंट की हाइट 5'5" और करंट वेट है इसका 65 kg। और अगर कैलोरीज कंटेंट इनका 3,000 to 3,500 और 4,000 अबव आ गया, तो फिर आप लोग का फ्री हो आप लोग उसको कुछ भी साथ देने के लिए, बट हो एंट्रली, ठीक है ना? एंट्रल रूट ही सिलेक्ट करना है। टीपीएन पीपीएन बर्न पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो है ना सेप्टिसीमिया में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, क्योंकि बहुत सी उसकी ओपनिंग होती है बॉडी में, सीवीपी लाइन फेस है, उसको यूरिन बैग लगा हुआ है, बार बार ड्रेसिंग चेंज हो रही है, स्किन एक्सपोज है, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी ना बैक्टीरिया कैच कर सकता है। तो हम लोगों ने मिनिमाइज करना है टीपीएन पीपीएन, हमने कोशिश करनी कि पेशेंट पेरेंटली ही एंट्रली ही ले सारा कुछ, तो आप फ्री हो बिल्कुल भी उसको एनजी एनजी देने के लिए, बट पहले उसका आप लोगों ने ओरल देना है, कोशिश करना ओरल से पूरा हो। और मुझे इसके अंदर कम्प्लीट आप लोग ना यूज ऑफ मल्टीविटामिन भी बताना, जो मैंने आप लोगों को सारे पढ़ाया किस तरह से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है मैम, ठीक है, समझ में आ गई। अब एक ये प्लान चाहिए मुझे, और बाकी सारे जो आप लोगों को प्लान केस स्टडीज हैं वो वाले, और ठीक हो गया। अब अगला हमारी क्लास उसकी होगी डाइट प्लानिंग वाली, हेलो मैम। हाँ जी, अब अगला बच्चों ये क्लास खत्म है, तो अब क्या होगा नेक्स्ट? मैम अब बस कल लेक्चर होगा। अच्छा, अब कल लेक्चर होगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया बच्चों, ठीक है, ओके मैम, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़।